की बड़ी जानकारी इंदौर से, जहां अगरबत्ती गोदाम में भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि भीषण आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और आग बुझाने का काम भी किया जा रहा है। लगातार कोशिशें जारी हैं। तीन इमली चौराहे के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं इंदौर से ये बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि अगरबत्ती गोदाम में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आई है। बताते चले कि भीषण आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग यहां पर काफी विकराल रूप लिए हुए है। आग की लपटें दिखाई दे रही है, धुआं दिखाई दे रहा है। अगरबत्ती गोदाम में ये भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, आग की लपटें काफी विकराल है। और अब सवाल ये बनता है, क्या किसी को हानि तो नहीं हुई, आखिर नुकसान कितना हुआ है। बहरहाल फिलहाल आग को काबू में पाने की कोशिशें बरकरार। पूरा मामला आपको बताते चले, तीन इमली चौराहे के पास का बताया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तनुश्री देसाई फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। तनुश्री, फिलहाल अपडेट क्या कुछ, क्या आग पर काबू पाया गया? जी, फिलहाल आग पे काबू पाया गया है। हालांकि जब ये आग जो है उठी थी, जब आग लगी गई थी, आग लगने का जो मुख्य कारण है वो फिलहाल नहीं पता लगाया जा रहा है। और सबसे अच्छी खबर इसमें यह है कि कोई भी जान की हानि नहीं हुई है। अभी आग पे काबू पाया लिया गया है। हालांकि एक से आधा घंटे का समय लगा था आग पे काबू पाने के लिए। शॉर्ट सर्किट जो है, बहुत सारे लोग शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ और कारण भी बता रहे हैं। तो अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है और लगातार कोशिश जारी है कि तत्काल जानकारी मिल सके कि आग लगने का मुख्य रीजन क्या था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब लगातार आग बुझाने की कोशिशें की गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब फिलहाल आग किस वजह से लगी है इसको लेकर जांच की जा रही है।